हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि किसी का भी कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं कि वो किस किस से बात किया है और कितना मिनट तक बात किया है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, ये काम सिर्फ जियो के सिम से ही हो सकता है और जिसका आप कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं उसका भी जियो का सिम होना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में माई जियो ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपना जियो नंबर से अकाउंट में रजिस्टर हो जाना है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप किसी का भी नंबर यहाँ पर ऐड करके उसका कॉल डिटेल्स पूरा देख सकते हैं और उसके बारे में भी पूरा देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहां पर स्विच अकाउंट पे आ जाना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर ब्लू पट्टी में आपको लिंक न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर मोबाइल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली उसका यहां पर फ़ोन नंबर डाल लेना है और जनरेट ओटीपी पे कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, उसके फ़ोन पर एक ओटीपी चला जाएगा। दोस्तों, आपको सिंपली उसका ओटीपी लेकर यहां पर डाल लेना है। दोस्तों, तो जैसे कि हम यहां पर उसका ओटीपी डाल लेते हैं और आपको उसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो दोस्तों, उसका नंबर यहां पर रजिस्टर हो चुका है। चलिए हम उसका आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कैसे आप उसकी पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको यहां पर स्विच अकाउंट पे आ जाना है और इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। मैं यहां पे बहुत सारे लोगों का यहां पर कॉल डिटेल्स के लिए नंबर सेव कर रखा हूँ दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ पर दोस्तों उसका नंबर चूज कर लेता हूँ। चूज कर लिया दोस्तों यहाँ पर उसका नंबर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके डिटेल्स कि उसने उसका कौन सा फ़ोन अभी यूज कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रेडमी का वो फ़ोन यहाँ पर वो यूज कर रहा है और मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। और उसके बारे में आप यहाँ पर व्यू प्लान्स भी देख सकते हैं कि वो कौन सा प्लान अभी एक्टिव करा रखा है, मतलब रिचार्ज कितने का करा रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 666 का वो रिचार्ज करा रखा है दोस्तों। और उसका डाटा भी आप देख सकते हैं कि 1.38 GB वो उसका अभी है। और इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक आ जाना है और दोस्तों मैं अब आपको उसका कॉल डिटेल्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है और दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए आने के बाद आपको यहाँ पर यूजेज डिटेल्स का आपको ऑप्शन मिलता है। तो सिंपली दोस्तों आपको इस पे आकर टैप कर देना है और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर उसका जितना भी MB यूज किया है, जितना भी वो डाटा यूज किया है, उसका यहाँ पर कॉल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो उसका और भी कॉल डिटेल्स, मतलब डाटा डिटेल्स यहाँ से उसका देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप उसका कॉल डिटेल्स देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेकेंड नंबर पे आकर यहाँ पे कॉल्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि उसने कितने नंबर से कब कब बात किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि उसने इस नंबर पर बात किया है 22 सेकेंड और ऐसे ही करके उन्होंने 54 सेकेंड इस नंबर से बात किया है दोस्तों। दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 दिन का कॉल डिटेल सिंपली यहाँ पर शो करता है, जैसे कि यहाँ पर 17 फरवरी का भी है और यहाँ पर ये 17 फरवरी और ये कल का है दोस्तों। ये आज का कोई अभी कॉल डिटेल्स नहीं है दोस्तों, उन्होंने अभी किसी को कॉल नहीं किया है। जब किसी को कॉल करेंगे तो उनका और भी कॉल डिटेल्स यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर स्टडे की जगह पे टू डेट दिखाने लगेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको उनका कॉल डिटेल्स दिखाता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि उनका 1 फरवरी से आज तक का कॉल डिटेल्स देखना, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक 13 फरवरी से यहाँ पर 19 फरवरी तक का यहाँ पर
क्लिक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर चाहें तो उनका 13 फरवरी से करके यहाँ से हम इसको 1 फरवरी कर देता हूँ, और यहाँ से 1 फरवरी से 19 फरवरी तक कॉल डिटेल्स देखना चाहता हूँ दोस्तों, तो मैं ये यहाँ पर चूज कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट कर लूँगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये कुछ देर लोडिंग लेता है। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर उसके गांव का नाम देख सकते हैं, उसका पूरा पता देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर उसका जियो का नंबर देख सकते हैं कि उसका कौन सा नंबर है, यहाँ पर उसका अकाउंट, यहाँ पर और भी उसके चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, उसका आधार नंबर भी देख सकते हैं, 4 डिजिट लास्ट का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे आप उसके कॉल डिटेल्स को 1 फरवरी के इससे 19 फरवरी के बीच तक देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर चाहें तो आप डाटा का भी कॉल डाटा की भी हिस्ट्री देख सकते हैं, और यहाँ से मैं यहाँ पर आपको वॉइस का दिखाने वाला हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से SMS का भी देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको वॉइस पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है सिंपली। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा ट्विटर दिखाने लगता है कि आप वो 1 फरवरी से 19 फरवरी तक कहाँ कहाँ बात किया है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 फरवरी लिखा हुआ है, अगर ये यहाँ पर ऐसे ही 5 फरवरी को उन्होंने बात किया, 6 फरवरी को बात किया है दोस्तों, कुछ कुछ दिन उन्होंने बात नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो भी दिखा रहा है कि जैसे 1 फरवरी को बात हुआ है, फिर 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18 फरवरी तक उन्होंने अभी बात किया है, 19 फरवरी को अभी कॉल डिटेल नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी किसी को कॉल नहीं किया है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।